हेलो फ्रेंड्स, डेली लाइफ विद सरोज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पुराने कपड़ों से कुछ कुछ, जैसे कि कुशन कवर हो गए या फिर बैठने के लिए गद्दा हो गया, कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक बैठने के लिए कॉर्नर सीट जैसा छोटा सा बनाया है और कुशन कवर्स भी बनाए हैं जो पुरानी साड़ियों और पुराने कपड़ों से है। मेरी पुरानी एक सूट थी जिसे सूट और सलवार दोनों से 3 कुशन कवर मैंने तैयार किए हैं। तो इस वीडियो में आपको यही बताने जा रही हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं कि कुशन कवर कैसे बनाते हैं और बैठने के लिए जो गद्दा होता है उसे कैसे फिल करते हैं। और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, आप अगर एक बार बना कर देखेंगे, बैठने में बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है ये किनारे का, ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ भी मुझे कॉर्नर बैठ के आराम से कुछ करना हो, कोई भी काम, तो बहुत ही अच्छा लगता है बैठने में वहाँ पे। तो आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। और हाँ, प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए, ये भी मैंने अपने साड़ी से काट के उसके आँचल का जो टुकड़ा था उससे बनाया है। और ये है मैंने एल शेप सोफ़ा बनवाया था जिसमें कुछ कपड़े बच गए थे, तो उसके मैंने घर में ही ये देखिए तैयार किए हैं कुशन्स, बड़े छोटे। और ये एक मेरी सिल्क की साड़ी थी उसकी बनाई है। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए मेरे ये सूट का सूट था एक, तो मैंने सूट और सलवार दोनों में से उसकी सिलाई निकाल कर पहले सूट बराबर कटिंग कर ली और फिर ये मैंने तैयार किया। तो जितनी भी साइज़ के आपके कुशन हैं उस साइज़ के आप नाप कर काट लीजिए और आगे का एक पल्ला काट लीजिए, जो भी डिज़ाइन वगैरह हैं तो उसे आगे का बना लीजिए और पीछे का सलवार का बना लीजिए। प्लेन होते हैं क्योंकि सलवार अधिकतर नीचे के, तो मैंने वही किया। देखिए आगे का जो ये डिज़ाइन था थोड़ा बहुत, तो उसे मैंने आगे का कवर बनाया है और वो पीछे मैंने बैक में डाल दिया है सलवार के कपड़े को। और उसी में से कपड़े काट लिए हैं और उसे काट कर चुन्नट उसी से तैयार किए हैं। मैंने देखिए इस तरह आगे की उस पोर्शन में आप चुन्नट डालकर सिल लीजिए। ये देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप ट्राई करेंगे तो आराम से बन जाएगा ये। और इसके बाद जस्ट पीछे जो मैंने उसका पीछे का कुशन का जो तैयार किया था प्लेन का, वो दो भागों मैंने काटा था ताकि दोनों सिलने के बाद एक दूसरे को कवर कर सकें। तो ये काट कर मैंने बराबर उसको लगा लिया है। और आपको कुछ नहीं करना, बस चुन्नट बनाने के बाद उसके ऊपर से ये कपड़ा रखिए और बस चारों तरफ से उसकी सिलाई लगा दीजिए। और ये बनने के बाद देखिएगा बहुत ही प्यारा लगता है। और घर के जो हमारे पुराने सूट हैं जो हम कुछ दिन पहनते हैं और फिर वो पड़ा रह जाता है, तो इस तरह से वो यूज़ भी हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और सूट में काफ़ी वर्क था आगे की उसमें, तो उसमें से मैंने एक बनाया है ये वाला, देखिए इसमें मैंने पूरा फुल बन कवर किया है इसको, जो ज़्यादा डिज़ाइन था। और जो बचा हुआ था थोड़ा सा, उसको मैंने दूसरे वाले कवर पे यूज़ किया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और एक बार आप भी बना कर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए इसमें एक फ्लेक्स बस बची थी नीचे वाली बॉर्डर, तो मैंने उसे डालकर बस बना दिया। देखिए मैंने एक सूट सलवार से 3 कुशन कवर तैयार हुए जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही अच्छे हैं, आप भी ज़रूर बनाइए इसको। ये देखिए वाला साड़ी का पल्ले का जो मेरा निकला था आँचल का, उसकी मैंने एक सूट की जो लेस निकली थी उसे कॉर्नर से डाल के बनाया था। और ये सभी मेरे हाथ के ही बनाए हुए कुशन हैं जितने भी आप देख रहे हैं। ये देखिए ये मैंने एक सिल्क की साड़ी थी मेरी, तो उसके बॉर्डर को मैंने बीच में यूज़ किया और फ्रिल में यूज़ किया है और प्लेन वाले भाग को मैंने ये पीछे डाला है बीच में, बहुत ही सुंदर। इससे भी मैंने 2 कुशन कवर तैयार किए सिल्क वाले साड़ी से। तो चलिए अब हम बनाने जा रहे हैं गद्दे जो बैठने के लिए हैं। आपको जितना बड़ा गद्दा चाहिए उस साइज़ का आप
पहले कपड़े का काट लीजिए, मोटा कपड़ा हो कोई भी, पुराने कपड़े भी चल सकते हैं, कोई चादर वगैरह जो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, सिंगल बेड सीट के होते हैं, उसे साइज के काट कर उसको तीनों तरफ से सिल लीजिए और एक भाग खुला छोड़ दीजिए जिसमें हम ये भर सकें। और ये मेरे बच्चों के थे, बहुत पुराने कपड़े वो लोग पहनते थे नहीं, तो मैंने सोचा चलो इसी को काट कर पूरे और उसमें भर दूँ, तो बस इसे मैंने कटिंग की है। और ये जो उसके मोटे पार्ट्स होते हैं जैसे कि बटन वाले, हुक वाले या फिर और भी कुछ होता है मोटा मोटा, उसे मैंने ये निकाल कर एक्स्ट्रा हटा दिया है। और मेरे बच्चों ने इसमें हेल्प की है बहुत, और बस उसमें फिल करके, देखिए मैंने फिल कर लिया है, फिल करके जो मुँह खुला हुआ था एक साइड उसमें से आप भर लीजिए और उसे हाथों से सिल लीजिए। बस आपका तैयार हो जाएगा ये बैठने लायक गद्दा, बहुत ही आरामदायक। देखिए बनने के बाद कुछ ऐसा दिखा, मैंने पीछे का भी तैयार किया था वैसे ही पतला, और ये मेरे कुशन, और बहुत ही प्यारा है। गद्दा बनाकर देखिए आप भी, कॉर्नर में बहुत ही अच्छा लगता है, उसे जैसे चाहें आप सजा सकते हैं, रख सकते हैं। बैठने के लिए बुक्स वगैरह हम रीडिंग करते हैं इस किनारे, तो बैठकर आराम से बुक्स रीडिंग कर सकते हैं उसमें, उस जगह में। ये देखिए बनने के बाद सब ऐसा दिखा कुछ।